भिवाड़ी पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ पूरे जिले में एक साथ की गई धरपकड़ की कार्रवाई से अपराधियों में अफरा तफरी मच गई। पूरे जिले में कुल 58 टीमों का गठन करते हुए 342 पुलिस कर्मियों ने बदमाशों के नए साथ 228 ठिकानों पर दबिश देते हुए 308 अपराधियों को धर दबोचा। इन 308 अपराधियों में चोरी, डकैती, लूटपाट सहित अन्य मामलों में फरार वांछित अपराधी शामिल हैं। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि अभियान के तहत सबसे पहले तो अपराधियों व उनके ठिकानों का पता लगाया गया, उसके बाद एक योजनाबद्ध तरीके से जिले के एडिशनल एसपी व डीएसपी के नेतृत्व में अलग अलग कुल 58 टीमों का गठन करते हुए 342 पुलिसकर्मी शामिल किए गए। इन पुलिसकर्मियों ने योजनाबद्ध तरीके से कुल 228 स्थानों पर एक साथ दबिश देकर 308 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में चालानशुदा अपराधियों की संख्या 141 है, तो वहीं अन्य कई प्रकरणों में कुल 167 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि इस तरह के अभियान से जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने सहित अपराधियों में डर व आमजन में विश्वास कायम रखने सहित अपराधों पर लगाम लगाने में सहायता मिलती है। साथ ही चोरी, लूट, डकैती, नकबचनी, वाहन चोरी, वांछित अपराधी सहित न्यायालय से वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके हौसले पस्त करना है। इसके साथ ही अपराधियों की सामाजिक प्रतिष्ठा व महिमा मंडन को खत्म करते हुए लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करना है और क्षेत्र में गैंगवार जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हैं। अभियान के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान गैंगवार की घटनाएं व अपराधों में रोकथाम को लगेगी ही साथ ही साथ अन्य कई मामलों में भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस के द्वारा इस तरह के अभियान आगे भी जारी रखे जाएंगे। चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान एसपी विपिन शर्मा, जगराम मीणा, आईपीएस सुजीत शंकर सहित जिले के सभी डीएसपी व थानाधिकारी के साथ साथ डीएसटी की टीम, क्यूआरटी, आरएसी के जवान भी शामिल रहे।